अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। दस्तर खींच गए पुलट अपनी फुल स्पीड में। हे गाइस, स्वागत है आपका एक्सपेरिमेंट हंटर में। फिर से हम आपके सामने एक और मजेदार ट्रिक लेके आए हैं। इस बार हम थोड़ा सा टोचन वाला थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे, यानी टोचन आपने सुना होगा, एक गाड़ी से दूसरे गाड़ी को खींचते हैं। अच्छा, तो एक छोटी गाड़ी हमारे पास है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक है 350 cc की एक बुलेट, और है उससे भी बीस्ट एक हमारे सामने डस्टर गाड़ी। ठीक है, डस्टर यानी कि फोर व्हीलर। काफी वेट का काफी डिफरेंस है, बट अच्छा, बुलेट का ताकत अपने आप में अलग है और डस्टर का ताकत अपने आप में अलग है। सो गाइस, हम करने क्या वाले हैं, सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि ये डस्टर गाड़ी खड़ी है, सिर्फ वेट का हम कंपैरिजन करते हैं कि इसमें ताकत कितनी है और उस वेट को ले पाती है कि नहीं। तो ये गाइस, हम एक रस्से का एक सेटअप बनाया हुआ है हमने, ये यहाँ पे इसके एक टोचन पॉइंट पे एक रस्सा हमने यहाँ पे बांध दिया है। ठीक है, और दूसरे को हम थोड़ा सा कुछ सेफ्टी फीचर के साथ हम लगाते हैं इसके बुलेट में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये हमने सेट कर दिया गाइस, अब ये तो काफी मजबूत हो चुका है आई थिंक। अब देखते हैं गाइस, हम आपको दिखाएंगे कि इस डस्टर को ये बुलेट खींच पाती है कि नहीं। सो वीडियो में बने रहे, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो कर दो यार। थोड़ा सा मजा आता है, इंटरेस्टिंग चीज लेके आते हैं, एकदम सा मजा आएगा आपको भी। बस देख के थोड़ा ट्राई मत करना, थोड़ा सेफ्टी फीचर भी जरूरी होता है हर चीज़। ठीक है, सो अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बुलेट को, और ये मैंने कर दिया स्टैंड पर से उतार के। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है। तो न्यूट्रल गाड़ी पे कर देना भाई, न्यूट्रल पे कर दो उसका गियर। नहीं तो गाइस देखो, अभी ये रास्ता हो गया है टाइट, अब हम इसको रेस देने वाले। गाइस दस्तर खींच गए, मजा आ गया। थोड़ा दूर लेके चलते हैं, लोड ले रही है यार। ब्रेक छोड़ना, ब्रेक छोड़ो थोड़ा सा। गाइस खींच रही है, क्लोज शॉट लेना यहाँ से। क्यों थक रहे हो, थोड़ा थोड़ा आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, गाड़ी के पास दिखाओ यार, ऐसे नहीं दिखेगा, थोड़ा अंधेरा भी हो रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, दिखाओ दिखाओ। ये मैंने खींचा, गाड़ी खींच रही है डस्टर, ज्यादा दूर नहीं लगाते गाइस। तो मेरा एक्सपेरिमेंट करने का ये मतलब था, एक वेट का कंपैरिजन हम कैसे करते हैं, क्योंकि डस्टर बहुत ज़्यादा वेट का होता है और ये एक बुलेट है 350 cc का। थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं गाइस, डस्टर को हमने कर दिया स्टार्ट और बुलेट से अब हम लगाते हैं रेस, देखते हैं बुलेट में आज कितनी जान है। नाम तो बहुत सुना होगा, ले लद्दाख यहाँ वहाँ सब जगह बुलेट को लेके जाते हैं, बुलेट ये है बुलेट वो है, देखते हैं आज बुलेट में कितनी ताकत है। तो गाइस डस्टर को कर दिया स्टार्ट, थोड़ा है लगाओ। हेलमेट, थोड़ा सा सेफ्टी फीचर रखना गाइस जरूरी है, क्योंकि बुलेट कभी भी टेढ़ी हो सकती है, चोट लग सकता है। बात तो सही है। सो गाइस ये पहना मैंने हेलमेट, और अब हम थोड़ा सा करने वाले हैं एक्सपेरिमेंट। घर पे गाइस ट्राई बिल्कुल मत करना यार, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो वीडियो देखो और मजे करो यार, ट्राई करने का क्या ज़रूरत है। तो अभी मैंने कर दिया ट्राई एकदम से रस्से को और डस्टर को किया स्टार्ट, थोड़ा सा उसको भी रेस देंगे, थोड़ा सा देंगे। बस हवा निकल गई गाइस, नहीं खींच पाई गाइस। क्या गुंडा बनेगा रे तू, अपने इसने इसकी पूरी जान लगा दी हमने, लेकिन ये बुलेट खैर फोर व्हीलर ही होती है गाइस, बंद गाड़ी को तो कोई कुछ भी
खींच सकता है, एक नॉर्मल सा इंसान भी धक्का दे सकता है। मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल बताता हूँ, आप लोग सब कुछ जानते हो कि नॉर्मल सा इंसान भी धक्का दे के उसको थोड़ा सा दूर कर सकता है, बट अगर उसका अगर थोड़ा सा पावर लग जाएगा ना, अगर वो उसका मोमेंटम उस साइड होगा, अपोजिट साइड मोमेंटम होगा, तो बुलेट उसका मुकाबला नहीं कर सकती गाइस। सो ये रहा एक्सपेरिमेंट इसका। अगर ये वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो कर दो यार, मेहनत कर रहे हैं गाइस। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एक और ज़्यादा धमाका के साथ। ट्राई हम बहुत कर रहे हैं कि आपको बेस्ट टू बेस्ट दिखा सकें। तब तक के लिए जय हिंद।